हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने खड़ी है TVS की जुपिटर 125। 110 सीसी वाली भी आती है, 125 सीसी में भी अब आती है, तो जिन्हें थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए उनके लिए ये बेटर ऑप्शन हो जाता है। आइए इसको जानते हैं डिटेल में। डिज़ाइन बिल्कुल ही चेंज है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि पुरानी जैसी ये दिखती है, डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंज है, लेकिन आपको देखने में एक जैसी लग सकती है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये इंजन 125 सीसी का है, जिससे आपको ज़्यादा पावर मिल पाता है। तो अगर आप कहीं पे भी जाते हैं इस स्कूटर से, तो पुराने के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देती है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसका राइडिंग कंफर्ट आपको मिल पाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो जैसे रियर वाले में लुक पहले दिखाना यहाँ पसंद करूँगा, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि ग्रैबरेल के यहाँ पे आपको सॉकर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देते हैं। और पुराने जो भी सॉकर का स्टाइल हमें पहले देखने को मिलता था, सिर्फ एक सिंगल नट से हमारे सॉकर को जो है वो कस के हमारे स्कूटर का लोड उस पर दिया जाता था, लेकिन यहाँ कुछ नया डिज़ाइन बनाया गया है, सॉकर को थोड़ा पीछे करके दिया गया है। तो जब अगर पीछे पे लोड आता है, रियर पे लोड आता है, तो सॉकर ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करती है, जो कि पहले हम देखते थे कि इधर कहीं सॉकर जो है वो अटैच किया रहता था। तो इससे थोड़ा सा जो है आपके राइडिंग कम्फर्ट में डिफरेंस आएगा, पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं ये बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर 12 इंच के यहाँ पे अलॉय व्हील्स और टायर्स आपको मिलते हैं, जो कि और किसी स्कूटर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 10 इंच के मिलते हैं। तो 10 इंच से 12 इंच यानी कि 12 टायर हमेशा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा, तो वो चीज़ आपको पहले से बेहतर मिलती है। ये 110 सीसी वाले में भी मिलती है, इसमें भी ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डिज़ाइन में हम और थोड़ा पे आएँ तो डिज़ाइन में जैसा कि आप जुपिटर देख रहे होंगे 125, तो ये खास साफ तरीके से दिखाई देती है हमें। इसका मटेरियल जो है वो अभी पता नहीं कर पाऊँ, लेकिन शायद ये लोहे का ही है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत मुझे यहाँ पे लगता है देखने में, अगर इस तरह का मटेरियल दिया जाए तो। एक बड़ा सीट दिया जाता है ताकि आप दो लोग तो आराम से बैठें ही, अगर कुछ और भी इस पर बैठाना हो या फिर सामान रखना हो तो उसके अलावा भी आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी रियर का लुक कुछ ऐसा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो आप देख सकते हैं कि वाइड लुक हमेशा ही ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो इस तरह से कुछ आपको नंबर प्लेट और यहाँ पे भी एक लाइट दिया रहेगा, और एग्जॉस्ट ऐसा है। अब एग्जॉस्ट तक हम आ गए हैं तो एक बार मैं आपको साउंड सुनाना यहाँ पे पसंद करूँगा। तो मैं इस तरह से इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑन करता हूँ और यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये एक साइलेंट स्टार्ट फीचर के साथ आता है। साइलेंट स्टार्ट मतलब इसमें ऐसा कोई अल्टरनेटर नहीं लगा है सेल्फ स्टार्ट का, जो कि पहले हमें घिसिया सा साउंड देती थी, तो ये साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है, जो कि मोटर और अब जो इसका चार्जर होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो बैटरी को चार्ज करता है, उसी के कॉम्बिनेशन से कुछ ये स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है आपकी स्कूटर, जिससे आपको थोड़ा सा भी जो है स्ट्रेस जो है वो फील नहीं होता है वाइल स्टार्टिंग। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ ये कितना जल्दी स्टार्ट होता है यहाँ पर इस तरह से, और देखिए बस टच करने मात्र से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो साइलेंट स्टार्ट फीचर के साथ ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आती है। लेफ़्ट साइड का भी हमारा जो मेन पूरा लुक है वो वैसा ही दिया गया है। यहाँ पे हम एक फुटेज देख सकते हैं, ये कितना अच्छा डिज़ाइन में यहाँ पे फुटेज बनाया गया है, लोग इस पर आराम से पैर रख सकते हैं, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे हम देखें तो जो कि इसका मेन चीज़ होता है, इसका सेंटर पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है, तो अगर आप कुछ सामान भी ले जाना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी आसानी से आ जाती है, जो कि अदर स्कूटर्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर ये स्पेस बहुत बड़ा मिलता है TVS जुपिटर में, शुरू से ही मिलता है। TVS जुपिटर 110 में कहा जाता था कि वही एक ऐसी इकलौती स्कूटर है जिसमें सिलेंडर बीच में आ जाता था, लेकिन अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, हो सकता है कि इसमें भी आ जाए, क्योंकि इसका साइज़ भी सेम रखा गया है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हुक दिया गया है, एक यहाँ पे भी दिया गया है, तो इसको इस तरह से हम खोल सकते हैं। इसमें भी आप 3 kg तक का लोड दे सकते हैं। फ्यूल कैप हमें यहाँ दिया गया है, जो कि बहुत पहले हमें महिंद्रा रोडियो में मिलती थी, उसी तरह का कुछ डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको ओपन करने के लिए आपको ऑफ़ पे लेके जाना होता है, ऑफ़ को लेके इस तरह पुश करके अगर इधर करते हैं तो हमारा फ्यूल लॉक ओपन हो जाता है। यहाँ से हम फ्यूल डालते हैं और ये ऑल द वे घूम के जो है इधर तक आती है, तो आपके लिए फ्यूल भरवाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। नॉर्मली हमें फ्यूल भराने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, लेकिन अब ये आसान हो जाता है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी आप चाहे तो लगवा सकते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है जिसके अंदर आप सामान जो है वो रख सकते हैं। इसके अंडर सीट स्टोरेज को देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं तो यहाँ ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद इतना बड़ा कुछ अभी तक के सेगमेंट में आपने इतना बड़ा अंडर सीट स्टोरेज आज तक नहीं देखा होगा। एक बड़ा हेलमेट, ऊपर से एक और हेलमेट रख सकते हैं अपने को राइडर का, यानी पिलियन का भी हेलमेट यहाँ पे रखा जा सकता है,
और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है TVS Jupiter 125 का, मतलब बहुत बड़ा स्पेस है इसमें। तो इसके लिए मतलब TVS का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना होगा कि उसने इस तरह के डिज़ाइन को जो है डेवलप किया, जिसके कारण इसका स्पेस जो है वो बढ़ जाए। उसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो हमें इतना बड़ा कुछ इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है जो कि डिजिटल एनालॉग में है। तो एनालॉग में आपको स्पीडर दिखाई देगी, बाकी इतने सारे आपको मीटर्स पे जो है दिख जाएंगे चीज़ें क्या क्या है। एक बार और मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। चेक इंजन लाइट, लो फ्यूल वार्निंग, ए आपको दिखाई देती है असिस्ट करने वाली। यहाँ पे हम इंजन फ्यूल स्विच भी देख सकते हैं। और एक और मैं फिर से इसको स्टार्ट करना पसंद करूँगा, तो इसको फिर से इसको स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे i3s काम करती है स्प्लेंडर में, उसी तरह काम करती है ये ऑटोमेटिक, कुछ समय बाद जो है वो ऑफ़ हो जाती है। हाँ, ये ए ऑन होना चाहिए, तो ये ट्रैफिक में ही होती है, अभी तत्काल नहीं होगी क्योंकि अभी बाइक मैंने स्कूटर को मैंने चलाया नहीं है। जब ये चलती है तब जाके ये वर्किंग में आती है। अभी जैसे कि ये इको मोड में ये दिखा रही है, इको के बाद PWR में यहाँ पे दिखाएगी, यानी पावर मोड में जब इसको आप तेज़ चलाइएगा तब वो दिखाती है। तो इतना कुछ ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह के मटेरियल आपको चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। चाबी कुछ ऐसी आपको दिखाई इसमें देने वाली है। चाबी का भी डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये मेन मटेरियल का जो पार्ट है ये थोड़ा यहाँ पे बड़ा बना दिया गया है पहले के मुकाबले। पहले ये छोटा आता था और थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन अब इसका डिज़ाइन जो है बेहतर मिलता है 125cc सेगमेंट वाले स्कूटर में। चलिए, इसका यही था डिज़ाइन ओवरऑल। इसमें आपको आगे पीछे 12 इंच के अलावेस मिलते हैं, ड्रम ब्रेक का वेरिएंट है, ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट में भी आता है, तो आपको जो वेरिएंट पसंद हो वो वेरिएंट आप ले सकते हैं। इसका ये एडिशन आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर पसंद आएगा। इसका और कलर भी आते हैं 4 से 5, तो उन कलर्स में भी आप इसको देख सकते हैं, इसके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अभी तत्काल ये अवेलेबल है ऊर्जा TVS पटना में, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ इस स्कूटर को देख सकते हैं। बाय बाय।